एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। क्या आम पन्ना लस्सी से ज्यादा मजेदार है या फालूदा इन दोनों से ज्यादा मजेदार है? ये तय करने का अच्छा तरीका तो यही है कि इनको चखा जाए, और मीनू ऐसा ही कर रही है। इतनी गर्मी में और किया भी क्या जा सकता है। कहानी का शीर्षक है लस्सी या फालूदा। लेखन माला कुमार एवं मनीषा चौधरी। ये ओरिजिनल इंग्लिश स्टोरी है लस्सी, आइसक्रीम और फालूदा। चित्र बनाए हैं प्रिया कुरियन और हिंदी में अनुवाद किया है राजेश खर। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। थोड़ा सा ये किताब के बारे में। ये किताब प्रथम बुक्स की ऋतुचक्र श्रृंखला का एक भाग है। ऋतुचक्र यानी मौसमों का चक्र। हमारे देश में हर मौसम के आने को लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। ऋतुचक्र श्रृंखला में प्रकृति के इन खास उपहारों, रंगों, त्योहारों और भारत के रीति रिवाजों का मजा लीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। मीनू, जरा मनोज मामा के लिए पानी का एक गिलास ले आना, माँ ने आवाज लगाई। मनोज मामा मुझे ऊटी घुमाने वाले हैं। मीनू, हम लोग रेलगाड़ी से चलेंगे। ऊटी में ठंड पड़ती है, गर्मियों में भी मौसम ठंडा रहता है, ठीक पहाड़ों जैसा, मामा ने कहा। गर्मी वसंत और बरसात के बीच का मौसम है। संस्कृत में इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही है। मेरे दोस्तों को और मुझे बाहर खेलना अच्छा लगता है, लेकिन माँ बाबा को हमारा धूप में खेलना अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम पेड़ों की छाव में बैठकर फल खाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। कल हमारे परिवार ने नए साल का नया दिन मनाया। तमिलनाडु में इसे वर्ष पोरप कहते हैं। एक ही साल में इतने नए साल के दिन क्यों मनाए जाते हैं? मेरी दादी ने कच्चे आमों का पन्ना बनाया। क्या मजेदार खट्टा मीठा! जसमीत की माँ ने लस्सी बनाई। लस्सी बड़ी ठंडी और मलाईदार थी। फरहान की चाची ने उनके नए साल की खुशी में फालूदा बनाया था। इतना खुशबूदार और मीठा, वाह! बाबा दिल्ली गए हैं। उन्होंने बताया कि वहां बहुत गर्मी पड़ रही है और हर तरफ धूल ही धूल है। पुराने समय में लोग खस की चटाइयां खिड़कियों पर डाल देते थे और उनको पानी से गीला करके रखते थे। इससे घर में ठंडक रहती थी। बाबा आंखों को धूप से बचाने के लिए काले रंग का चश्मा पहनते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली की गर्मी में बहुत पसीना आने से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसे बनाए रखने के लिए बाबा खूब सारा नींबू पानी पीते हैं। वे दिल्ली से हमारे लिए मीठे मीठे दशहरी आम लेकर आएंगे। ये मौसम अपने साथ गर्मी और धूल लेकर आता है, पर साथ में मीठे रसीले आम भी लाता है। आपको याद है, मैंने वसंत ऋतु में एक पौधा बगीचे में बोया था। वो मेरा दोस्त है और तेजी से बढ़ रहा है। 17 पत्ते आ गए हैं उसमें। मैं नन्हे पौधे को आजकल दिन में 2 बार सींचती हूँ। मुझे लगता है ये वर्षा की राह देख रहा है। क्या अगली गर्मियों तक ये मुझे फल देगा? कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।